हेलो दोस्तों, ग्लैम आयुर्वेदा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चिपचिपे पानी और धात रोग के बारे में। दोस्तों, चिपचिपा पानी आना और लिंग का तनाव कम होना एक गंभीर समस्या है। आजकल ज्यादा उत्तेजित वीडियोस देखने के कारण यह समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। आइए जानते हैं ये समस्या किन कारणों से होती है और कैसे इसका इलाज किया जा सकता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद ही पूरी वीडियो देखिए। लिंग से चिपचिपा पानी आने के आम तौर पर तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है ज्यादा गर्म चीजें खाने से, जैसे मांस, मछली, अंडा, काजू बादाम और इसी तरह की कोई भी गर्म चीज। इस तरह का खाना खाने से मसाने में गर्मी बढ़ जाती है और लिंग से चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है ज्यादा हस्तमैथुन या हाथ का इस्तेमाल करने से। हस्तमैथुन करने से भी मसाने में गर्मी हो जाती है और लिंग की नसें ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। ऐसे में धात का आना, चिपचिपा आना और पानी आते ही तनाव चला जाना जैसे परेशानी हो जाती है। तीसरा कारण हो सकता है ज्यादा वजन उठाना। अक्सर ये भी देखा गया है कि जो लोग ज्यादा वजन उठते हैं उनके भी मसाने में कमजोरी शुरू हो जाती है और चिपचिपा पानी आना शुरू हो जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इस समस्या का इलाज कैसे करा जाए, और ये भी जानते हैं कि चिपचिपा पानी या धातु रोग की असली आयुर्वेदिक दवा कौन सी है जिसका रिजल्ट जल्दी मिले और कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाज कैसे शुरू करा जाए। दवा का नाम है सफूक मुकव्वी। ये दवा आयुर्वेदिक है और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये ऑनलाइन मिल जाती है, आप अमेजोन से भी इसे ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, स्क्रीन पर दिए नंबर पे भी कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अब बात करते हैं परहेज की। आपको सबसे पहले ये कुछ चीजें खाने में बंद करनी होंगी, जैसे मांस, मछली, अंडा, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम, किशमिश आदि। इनमें से कोई भी चीज नहीं लेनी है। पेट को साफ रखना है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन लोगों को चिपचिपे पानी की समस्या बन जाती है उनका पेट भी खराब रहने लगता है। या तो कब्ज बनना शुरू हो जाता है या फिर टॉयलेट में दिन में 3 या 4 बार जाना पड़ता है और फिर भी पेट सही से साफ नहीं होता है। इन सब के साथ साथ आपको अपनी डाइट में फलों को भी लेना शुरू करना होगा। मौसम का कोई भी फल खा सकते हैं। सेब यानी एप्पल भी लेना अच्छा रहता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है जिससे पेट साफ रखने में आसानी होती है। ये बात याद रखनी है कि अगर आप चाहते हैं कि दवा अच्छे से काम करे तो पेट साफ जरूर रखना है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है जो आप ऊपर स्क्रीन पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इस परेशानी से जुड़ी कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दें, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सब जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।